नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं आपके कमेंट्स के, रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा आपने जो जो भी मेरे को पूछा है अब तक उनके। तो ठीक है, मैं जल्दी जल्दी देखता चलता हूँ क्या क्या कमेंट आए हैं। सबसे पहले कमेंट है टेक्निकल विथ राहुल, ये मेरी वीडियो देखती रहती हैं। तो भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने नाइस वीडियो और सारी चीज़ें, मैं आपके कमेंट को बार बार देखता रहता हूँ। एक कमेंट आया है मून बालकर व्यू, तो इनका है, तू भाई इतना इंटेलिजेंट नहीं है जितना तू दिखाता है, तूने मेसो को उल्लू बनाया, अब आ गया रोड पर कुछ मजदूरी कर ले। तो इनको मैं क्या रिप्लाई करूं, मैंने नीचे ही लिख के भेज दिया, अच्छा जी। इनके लिए मैंने एक स्पेशल भी वीडियो बनाई है, उसे आप देख लेना, कि मेरा बर्बाद होना ये डिसाइड करेंगे कि मैं डिसाइड करूंगा। तो ऐसे लोगों के लिए मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए बोलने में मेरा ही टाइम ख़राब होगा, इनका कुछ नहीं जाएगा। अब बात करते हैं न्यूटन ऑनलाइन स्टडी, ये है भाई मैं मैसो के प्रोडक्ट रीसेल करूँ या नहीं। देखो भाई, मैसो की मैंने रियलिटी बता दी है, अब डिसीजन आपको लेना है कि आपको रीसेल करना है कि नहीं। और अगर किसी ने मेरे साथ गलत आज किया है, तो कल वो आपके साथ भी गलत कर सकता है, इस बात को ध्यान में हमेशा रखें। अंकित भाई का कमेंट आया है कि भाई लीगली केस फाइल करो, ये उस वीडियो पे आया है जब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैसो ने मेरे साथ फ्रॉड करके 2.5 लाख रुपए मेरे कैसे लूट लिए। तो उस वीडियो पे इन्होंने कमेंट किया है कि भाई लीगली केस फाइल करो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम केस फाइल करोगे तो मैसो को अकल आएगी और ये आगे किसी के साथ ऐसा भी धोखा नहीं करेंगे, प्लीज केस करो। तो भाई देखो, बड़ी कंपनियां हैं और केस करना कोई बड़ी चीज़ नहीं, पर इन लोगों से जीतना एक बड़ी चीज़ है। पर मैं कोशिश कर रहा हूँ जितना मेरी साइड से हो सकता है, आप लोगों से ये निवेदन करूँगा कि देखो, अगर हमारे लीगली कुछ नहीं कर पा रहे, वैसे तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, तो लोगों को अवेयर तो कर सकते हैं कि हाँ भाई इन्होंने गलत किया है। और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं जिससे सभी को पता चले कि मैसो ने कैसे गलत काम किया है। और बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट भी आ रहे थे कि हमारे साथ भी गलत किया है, हमारे साथ भी गलत किया है। तो मेरे को लगता है कि ये केवल मेरे साथ गलत नहीं हुआ, और भी ऐसे लोग हैं, मैंने थोड़ी आवाज़ उठाई इनके खिलाफ़, पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके साथ कम फ्रॉड हुआ है, कम पैसों का फ्रॉड हुआ है, तो उन्होंने ये सोचा कि ये अरे यार 1,000 2,000 वाली बात है, छोड़ो क्या टेंशन लेना। तो ये भी हो सकता है, तो आप शेयर कर सकते हो। और अक्षय का कमेंट आया, मीशो रीसेलर को धोखा देता है कभी कभी, तो मैंने वीडियो बनाई है तो आप समझ गए होंगे कि धोखा देता है कि नहीं, मेरे को तो दिया है। और यशराज का कमेंट आया है, ऐसा क्या सेल करते हो आप सर? देखो मैं सेल गारमेंट में ही करता था, पर ये पुराना कमेंट है तो मैं इसका भी रिप्लाई देना चाहूँगा, क्योंकि रीसेलिंग का जो वे है केवल एक ही नहीं है, केवल वो ही नहीं है कि मैसो से ही रीसेल करो आप, और भी हैं, शॉप 101, ग्लो रोड और भी बहुत सारे एप्लीकेशन हैं उनके। मैंने वीडियो बनाई है 5 वेबसाइट और एप्लीकेशन के बारे में बताया है, और मेरे अपनी वेबसाइट पे भी इसके बारे में आर्टिकल लिखा है। तो रीसेल क्या करो आप, देखो आपका जो नेटवर्क है ना, वो किस चीज़ में इंटरेस्टेड है, उस चीज़ का आप प्रमोशन करो, आप रीसेल करो, उन्हें आसानी से आप रीसेल कर सकते हो। चलिए अब आकाश देव का जो कमेंट है, भाई हम हैं आपके साथ, बी मेक रीसेलर। तो थैंक यू भाई, आप लोग हमारे साथ हो, जब भी हम इतना ग्रो कर पा रहे हैं और मेरा चैनल इतना अच्छा चल रहा है, आप लोगों का ऐसा साथ बना रहा तो आगे भी हम बहुत कुछ कर पाएंगे, तो हमेशा साथ बनाए रखना। और व्हाट्सएप एंटरटेनमेंट का है, मैसो ऐप का बहुत सारे नेगेटिव वीडियो छोड़ो भाई, और प्ले स्टोर पर 1 स्टार देने के लिए वीडियो छोड़ो, 1 स्टार अगर बहुत देंगे तो इनकी ऐप का बहुत घाटा होगा और इनके बिजनेस को भी इससे लॉस होगा। तो दोस्तों, ऐसा मेरा कोई पर्पज नहीं है कि मैं किसी के बिजनेस को डाउन करूं, और बस मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी गलती है, गलती हर किसी से होती है, गलती मेरे से भी हो सकती है, आपसे भी हो सकती है। मैसो वाले इस गलती को सुधारने की कोशिश करें, और मैं ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगा जिससे उनके बिजनेस को लॉस हो।
और मैं दिखाता हूँ, और नेहा जी का कमेंट आया है, इतना बकवास है क्या मैसो। देखो बकवास कोई चीज़ नहीं होती, बस ये है कि कुछ गलतियाँ होती हैं जो कुछ लोग दोहराते हैं तो उनका बिजनेस बंद हो जाता है। गलतियों को पहचानो और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करो। लंबे समय तक आप ऐसे धोखाधड़ी करोगे तो आपका बिजनेस लंबे टाइम तक नहीं चल पाएगा। और नेहा शर्मा जी बोलती हैं कि मैंने एक कमेंट किया था कि आपको पता होगा कि मैं मैसो की टॉप रेफरल में आता था और मैं दुबई वाली ट्रिप के लिए सेलेक्ट भी हुआ था, पर अचानक से मेरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। तो मैंने वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने लिखा था, जो थंबनेल बनाई थी उसमें लिखा था दुबई नहीं अब मैं जेल जाऊंगा, क्योंकि वो मेरे को लीगली मेल कर रहे थे कि ये आप गलत कर रहे हो, हमारे बिजनेस को डाउन कर रहे हो। तो मैंने वो डाला था तो वो बोल रहे क्या थंबनेल है। तो देखो जो चीज़ है वो मैंने कर दी। अनुराज का कमेंट है, डिलीट मत करना रोहित भाई, उन्होंने मेरे को एक मैसो वालों ने मेल करके मेरे को बोला था कि आपने जो नेगेटिव वीडियो हमारे खिलाफ़ बनाई है उन्हें डिलीट कर दीजिए। तो उसके लिए अनुराज बोल रहे हैं कि आप वीडियो डिलीट मत करना। तो वीडियो तो डिलीट नहीं करूँगा, चाहे चैनल वो बंद करा दें, तो इससे मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो सच है, सच को बताना ज़रूरी है, और अगर सच सभी के सामने नहीं आएगा तो लगातार फ्रॉड पे फ्रॉड होते चलेंगे और लोगों को कुछ पता भी नहीं चल पाएगा। फनी हरियाणा बोल बोलते हैं सही है वीडियो डिलीट मत करना, उन्होंने भी सेम कमेंट किया है, तो थैंक यू। मुक्ता जी ने बोला है पीएम को भेजो कंप्लेन। तो देखो भाई इतने बड़े इंसान नहीं है हम कि पीएम तक हमारी पहुँच हो, छोटे से इंसान हैं, जिस दिन पहुँच हो जाएगी उस दिन ज़रूर पहुँच भेजेंगे उनको भी। आगे कमेंट आया है नंद चंद, भाई कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेन करो, तो कोशिश कर रहे हैं, मैंने कंप्लेन डाली हुई है। नंद चंद भाई कस्टमर कोर्ट में, जी भाई। चंदन 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 का कमेंट आया, सर मैसो का क्या हुआ। तो मैसो की मेरी लगातार वीडियो आती जा रही है, लोग बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं कि मैसो ने का भी क्या चल रहा है, क्या प्रोसेस है, तो उसकी कंटिन्यू वीडियो मैं ला रहा हूँ और आती रहेंगी मैसो की वीडियो। देखो गलत चीज़ को मैं फाइनली तक बताऊंगा। तो दोस्तों बहुत सारे लोग ये करते हैं कि अपने मैसो का लिंक मेरे कमेंट में दे देते हैं या दूसरी चीज़ों का लिंक मेरी कमेंट में दे देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली स्पैम में पहुंच जाती है, मतलब वो सोनी होगी, तो इसलिए आप उसे मत दिया करो, कोई फ़ायदा नहीं मिलता आपको उससे, अपनी टाइम ख़राब करते हो आके, और मेरे को उससे फ़ायदा मिल जाता है, मेरा व्यूअर बढ़ जाते हैं उससे। चलिए आकाश दे बोलते हैं भाई मुझे अपना लिए एक लेना है, हो गया कोई। अच्छा ये बोल रहे हैं मैंने एक लैपटॉप के बारे में वीडियो बनाई थी कि अगर आप लैपटॉप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो 50% ऑफ पर कैसे लैपटॉप खरीद सकते हैं। तो उनका कमेंट आया कि मुझे भी एक लेना है और अवेलेबल हैं। तो आकाश देव जी अभी मेरे पास बहुत सारे लैपटॉप पड़े हैं, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।